हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी दिवाली आप सभी को, क्योंकि जब तक ये व्लॉग जाएगा दिवाली हो चुकी होगी। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक झटपट 10 मिनट में बनने वाली स्वीट की रेसिपी, क्योंकि सब इतनी जल्दी जल्दी आ गया है और कई बार ना टाइम नहीं मिलता या फिर हम वर्किंग होते हैं, तो ऐसे में चाहिए कि कोई 10 मिनट्स वाली हमें रेसिपी मिले। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट की बर्फ़ी। आप लड्डू भी बना सकते हैं, जो भी शेप चाहें इसको दे सकते हैं। और ये इतनी इजी रेसिपी है कि आपके ना किड्स भी बना सकते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में लिया है 1 चम्मच घी, और फिर यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी के मेज़रमेंट से 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। तो मेज़रमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो ही आप यूज़ करना, उस मेज़रमेंट से बहुत अच्छा बने। और ये 3 से 4 मिनट के करीब हमें भूनना है, और मीडियम आंच पे भूनना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि कोकोनट ना बहुत जल्दी जल जाता है या लग जाता है। तो कंटिन्यूस हम इसे स्टिर करते रहेंगे 3 से 4 मिनट में। जब आपको धीमी धीमी खुशबू आने लगे ना, तब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास अगर नहीं है तो बिल्कुल ऐड मत करना। तो ये 1/4 कप के करीब, जिस कटोरी से मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को मेज़र किया था उसी से मैंने जो है मिल्क पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैं इसको भी अच्छे से चला लूँगी। और यहाँ पर ना जल्दी जल्दी में मेरा भी थोड़ा सा जो कोकोनट है वो लग गया था, क्योंकि गैस को मैं कितना भी कम कर लूँ, इसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम इसमें 1 कटोरी कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। जिस भी कप से आप मेज़रमेंट ले रहे हैं ना, उसी कप से मेज़र करके 1 कप के करीब कंडेंस मिल्क ऐड करना। और बाकी आप एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर आप मीठा थोड़ा सा तेज़ खाते हो तो आप 1/4 कप के करीब या 1/4 कटोरी के करीब जो है कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हो। और आंच को इस वक्त बिल्कुल मीडियम रखना है, और फटाफट से इसको मिला देना है। और विद इन 2 मिनट्स में ना ये आपका डन हो जाता है, क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया था तो मेरा और भी जल्दी हो गया। आप देखेंगे कंडेंस मिल्क, अगर आप मिल्क पाउडर ऐड नहीं करेंगे ना, तो कंडेंस मिल्क थोड़ा हीट की वजह से ना थोड़ा सा पतला होता है पहले, और फिर थिकन होने लग जाता है। तो जब ये आपका पैन छोड़ने लगे ना अच्छा सा, और घी आपको ऊपर दिखने लगे, तब आप इसको गैस को बंद कर देंगे और ये शेप में आने लगेगा। आप ना अपने हैंड से कोई भी शेप लड्डू जैसा बना कर देखना, तो इससे पता चलता है कि जो हमारी बर्फ़ी या लड्डू जो भी हम बनाना चाहते हैं इससे वो डन हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप रोल करके देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मिक्सचर है वो डन हो गया है। बस मैं अब एक पार्चमेंट पेपर लूँगी और इस पर अपना जो हाफ पोर्शन है उसको फैला लूँगी। तो मैंने हाफ पोर्शन रखा है, उसमें मैं कलर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरे को आइडिया आया कि मैं इसके रोल्स बना सकती हूँ 2 कलर के। आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं इसी तरीके से 2 कलर की। तो अगर आपको इतना झंझट नहीं करना है, तो आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रख कर थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और फिर उसको कट कर लें बर्फ़ी की शेप में, वो भी बहुत अच्छी बनती है, मल्टी कलर बर्फ़ी बनती है। तो बस यहाँ पर जो पहली लेयर है मैं उसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, और इसके बीच में ना थोड़े से नट्स डालूँगी। तो नट्स में मैंने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स लिए हैं, मेरे पास वो अवेलेबल थे तो मैं वो डाल दूँगी। और बस इसको रोल कर लेंगे सुशी की तरह। तो बटर पेपर ना हो तो आपके घर में जैसे पॉलीथीन होती है, कोई भी पॉलीथीन आप बिल्कुल क्लीन करके सुखा के उससे भी आप इसको बना सकते हैं। और बस अब मैं यहाँ पर जो सनफ्लावर सीड्स हैं वो फिल कर दूँगी और इसको एक रोल की शेप दे दूँगी। इसको रोल की शेप देने के बाद जो हमारा दूसरा पोर्शन रखा था, जिसमें मैंने बीट रूट का जूस ऐड किया है, मेरे पास फूड कलर नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना नेचुरल कलर बनाया जाए। और घर में ना बीट रूट पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चलिए आज बीट रूट के कलर से ही मैं नारियल की बर्फ़ी को ट्विस्ट देती हूँ। तो बस वही आइडिया। अब यहाँ पर देखो मैंने 2nd पार्चमेंट पेपर ले लिया, और उसमें ना मैंने जल्दी से कलर ऐड कर दिया है, वो क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और ये पिंक कलर की शीट भी हमारी रेडी है। अब इसको भी अच्छे से हैंड से बेलन से आप डायरेक्ट मत कीजिएगा, इसके ऊपर भी एक और पार्चमेंट पेपर रख लेना या बटर पेपर, और फिर इसको ऊपर से बेलन से रोल करना, तो ये अच्छे से रोल हो जाएगी। बस इसको भी हम अच्छे से रोल करके इसके अंदर जो पहला रोल हमने वाइट वाला बनाया था ना उसको रख के फिर से रोल कर देंगे। और जब ये दोनों शीट्स रोल हो जाएँ तो इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि कंडेंस मिल्क ना हीट होने के बाद अपने आप थोड़ा सा सेट होने लग जाता है, च्यूई होने लग जाता है। तो
मेक श्योर करें कि आप ज़्यादा गैस पे भी उसे ज़्यादा देर ना पकाएं। पता चला कि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया आपका, इस चीज़ का ध्यान रखें। बस मैं अब इन दोनों को एक साथ इस तरीके से रोल कर दूंगी और ठंडा होने के बाद इनको रोल्स की शेप में कट कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा ये रोल बनकर आया। जितना ये देखने में सुंदर था ना, उतने खाने में बहुत टेस्टी था और बनने का टाइम सिर्फ 10 मिनट्स। तो ये वाली जो रेसिपी है आप अपने घर पे बनाइएगा और खुशियाँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दिवाली त्यौहार ही खुशियाँ बांटने का है और खूब सारी मेमोरीज बनाना। मिलती हूँ आपसे किसी ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।